अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये देखो ऋषि और मरिष्का की शादी का रास्ता बन गया है। ये कागजात ओबेरॉय की सारी प्रॉपर्टीज अब हमारी हो गई। उनका सब कुछ अब हमारे नाम। वीरेंद्र ने खुद साइन कर दिए हैं इन कागजात पे। What? वीरेंद्र भाई साहब ने साइन किए हैं? हाँ हाँ, देखो। दिखाओ। See. पर उन्होंने साइन कैसे कर दिए? उन्होंने नहीं किए, मैंने करवाए। फ्रंट वाले पेपर पे उनके साइन है, अब बाकी के जितने भी पेपर्स हैं उसमें उनका कोई साइन नहीं। पीछे के सारे पेपर्स पे मेरे साइन। और वैसे भी पीछे के पेपर्स पे साइन कौन देखता है, कौन ही देखता। सबसे बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र का सब कुछ अब मेरा हो गया है, हमारा हो गया है, हमारी बेटी का हो गया है। और उन सब में ऋषि भी शामिल है। मलिष्का को ये गुड न्यूज देता मैं। कहाँ है वो? Where is she? वो सुन के पागल हो जाएगी। She'll go mad. Where is she? वो बताती कहाँ है कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। Of course ऋषि के घर गई होगी, वहीं होगी वो। ऋषि के घर नहीं, उसके अपने घर। वो घर अब उसका अपना है। अपने प्लान में कामयाब होने के लिए मुझे लक्ष्मी की एक चीज चाहिए। कोई भी हो, छोटी बड़ी जो भी, चेन पेंडेंट कुछ भी नहीं है, कहाँ रखा होगा? कैसे सामान रखा है? यस, मिल गया। यही तो चाहिए था। मलिष्का, क्या कर रही हो तुम यहाँ? और ये क्या छुपा रही हो उनसे? मलिष्का, मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या छुपा रही हो उनसे? क्या है क्या तुम्हारे हाथ में? अंकल, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी की हो? खैर, आप तो ऐसे बोलेंगी ना, आपको मैं पसंद जो नहीं हूँ। मैंने चोरी नहीं की अंकल। मलिष्का, मैंने सिर्फ पूछा कि तुम यहाँ कर क्या रही हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। ये पेंडेंट है अंकल, ये मुझे बाहर पड़ा मिला, तो मैं बस क्रॉस चेक कर रही थी कि ये किसका है, और मुझे लगा कि लक्ष्मी का है, तो मैं बस रखने के लिए आई थी। एंड जस्ट टू बी मोर क्लियर अंकल, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तो नहीं कहा। तुम बार बार ये कह रही हो, और तुम्हें पता है ना मलिष्का, ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश कौन करता है? जिसने गलत किया हो। देखा, बोल दिया ना आपने मुझे गलत, यही तो मैं बोल रही थी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम बार बार ये कह रही हो, तुम डिफेंसिव होकर बात कर रही हो। चलो मान लिया ये पेंडेंट तुम्हें बाहर मिला, लक्ष्मी के रूम के बाहर, तो जाहिर सी बात है पेंडेंट लक्ष्मी का है। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने चोरी की, पर ये तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारा बिहेवियर है ना, ये बता रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। वॉट इज रॉन्ग मलिष्का? बताओ मलिष्का, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चलेगा दिमाग में अंकल मेरे? बस हर्ट हो रही हूँ, हर्ट होती रहती हूँ, आज भी हो रही हूँ। आज आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं क्यों? मैं तो सच बता रही हूँ ना कि ये पेंडेंट मिला था मुझे बाहर, वो मैं रखने आई थी, लेकिन नहीं, आप तो मुझ पर शक कर रहे हैं। खैर, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आप तो ऐसे सवाल करेंगे ही ना मुझसे, आपको मैं पसंद तो हूँ नहीं, लक्ष्मी पसंद है, बेटी है आपकी। अंकल, अगर यही चीज लक्ष्मी ने की होती तो आप ये बोलना तो बहुत दूर की बात है। आप इस बारे में सोचते भी नहीं कि लक्ष्मी कुछ कर सकती है। मैं हूं ना एक्चुअली, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया होगा। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मैं ये चेन रखने आई थी, और आप मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। बेटी है ना आपकी लक्ष्मी, तो सर पे चढ़ा रखा है आपने उसे, सातवें आसमान पे बिठाया हुआ है, इसलिए आपको वो जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क क्या? आपको दिखाई भी नहीं देता।
लेकिन मैं हूँ ना, तो मैं कुछ भी करूँ आपको तो गलत ही लगेगा। और मैं यहाँ आपको सच बता रही हूँ कि ये पेंडेंट मैं रखने आई थी, आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। Enough! मलिष्का, ये जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो, तुम्हारे पिता भी इस तरह बात नहीं करते मुझसे। So, mind your tongue and mind your attitude. समझी? और हां, लक्ष्मी मेरी बेटी है और रहेगी, और लक्ष्मी ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। लेकिन तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। मेरी बेटी के खिलाफ कुछ गलत करने की सोचना भी मत, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। तुम्हें बचपन से जानता हूं, इसलिए वार्निंग दे रहा हूं। रखो ये पेंडेंट और जाओ यहां से। ऋषि, लक्ष्मी, तुम यहां क्यों ढूंढ रही हो ऋषि को? तुम यहाँ आई थी क्या पहले? तुम्हें वहां ढूंढना चाहिए जहाँ तुम खेलने गई थी। तुम क्या बाहर गई थी खेलने के लिए? अरे हाँ, मैं तो बाहर गई थी। वो बाहर हो सकता है, मैं तो भूल ही गई। हाँ, भूल गई थी ना। एग्जैक्टली, ऐसे लोग भूल जाते हैं। जैसे मैं अपना फोन भूल गई थी यहाँ पे, फिर तुमने कॉल उठा लिया है ना, तो हो सकता है तुम भी भूल गई हो। तो आई थिंक तुम्हें ना बाहर जाके एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या पता ऋषि मिल जाए कहीं पेड़ के पीछे या गाड़ी के नीचे। गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हो गया क्या? एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका। एक बार तुम जाके चेक तो करो, ढूंढना चाहिए या नहीं। Yeah, of course. अब I don't think अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। No, deal is on. अब जो भी corrections मैंने बोले हैं, मैं उसपे एक बार go through कर लेंगे and उसके बाद मैं पेपर साइन कर लूंगा। Okay, great. Thank you. लक्ष्मी, all good. ऋषि को ढूंढ रही थी। ऋषि को ढूंढ लेता हूँ, नहीं मिलेगा तो फिर बाद में साइड हो जाएगी। ऋषि, कहाँ रख दिया मैंने? ऋषि, मिल गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।